हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में भैया मुद्दा डेटा टाइप्स का लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में एक एक करके अभी हम लोग जानने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली सब कुछ एग्जीक्यूट करके सामने आ गया भैया आर स्टूडियो ओपन करते एक सैंपल कोड। उसके अंदर मैंने कई सारे वेरिएबल्स ले रखे हैं, एक्स वाई जेड, वापस से एक्स वाई ले लिया। इसका क्या मतलब बनता है वो थोड़ी देर में अभी हम लोग वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया, जहां पे वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग जो है अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यही हम लोगों को जानना है कि कौन कौन से टाइप के भाई साहब, दैट इज डेटा टाइप्स के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, और यहाँ पे जो ये क्लास मेथड है वो हमारी मदद करने वाला है, क्योंकि क्लास मेथड हमें बताएगा कि आपका जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, बराबर है, कौन सी वैल्यू उसने होल्ड कर रखी है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए क्लास मेथड हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, एक तरीके से जो है इसे यहाँ पे रन करता हूं और जो आउटपुट है उसके साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे लास्ट में आ गया एरर। क्यों आ गया एरर? क्योंकि यहाँ पे जीरो आर्ग्यूमेंट पास्ड टू क्लास वेयर रिक्वायर्स वन, मतलब एक की जरूरत थी और आपने एक भी पास नहीं किया, इसलिए एरर आया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई, ओके, क्योंकि मुझे उसका टाइप जानना है इसीलिए। तो मैंने क्या करता हूँ, वापस से ये जो है रन करता हूँ इस कोड को और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी कोई एरर आया नहीं है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ। हाँ, यहां से शुरुआत करते हैं। तो ये जो मेरी लाइन थी भाई, ये पहली वाली, इसे मैंने असाइन किया 11.1। तो ये कौन सा है भैया, ये कौन सा टाइप है? न्यूमेरिक टाइप है दोस्तों ये। मतलब यहाँ पे मैं 11 लू, 12 लू, 13.3 लू, कुछ भी लू, कोई भी आंकड़ा लू, चाहे उसमें डेसिमल में भी पॉइंट में भी मैं एक तरीके से अपना जो आंकड़ा है वहां मेंशन करूं, असाइन करूं, उसे एज अ न्यूमेरिक ट्रीट किया जाएगा। मतलब चाहे यहाँ पे मैं 11 लू या फिर 10 लू या फिर 10.9 लू, मतलब कोई भी एज अ पूरा नंबर लू विदाउट डेसिमल या फिर विद डेसिमल, इट इज नाउ हियर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक डेटा टाइप, बराबर है। और अगला वाला जो है, अगले वाले का टाइप क्या आया क्लास, जब हमने उसे प्रिंट किया क्या आया, इंटीजर आ रहा है। अभी इंटीजर में क्या फर्क है, न्यूमेरिक और इंटीजर में क्या फर्क है? तो यहाँ पे इंटीजर में दोस्तों अगर आपको एज अ कोई वेरिएबल का टाइप इंटीजर करना है तो उसे जो वैल्यू आप असाइन करोगे, जो नंबर असाइन करोगे, उसके साथ आपको कैपिटल एल जोड़ देना है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है कैपिटल एल, उसके साथ अंत में आपको जोड़ देना है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप इंटीजर को यूज करना चाहते हो तो वहां पे डेसिमल की कोई गुंजाइश नहीं होती, बराबर। न्यूमेरिक में दोनों मिलेंगे आपको, न्यूमेरिक में डेसिमल विदाउट डेसिमल हर आंकड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब मैं इंटीजर की बात करता हूं तो वहां पे डेसिमल नहीं होंगे स्ट्रिक्टली। यहाँ पे जो है 100 का आंकड़ा जो है एक तरीके से आप असाइन करने की कोशिश कर रहे हो टू द वेरिएबल y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे यार ऊपर l था तो यहाँ पे i है। अब हम लोग इतनी मैथमेटिक्स तो जानते हैं भैया कि i का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी शामिल है दोस्तों आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और इसका जो क्लास है वो बता रहा है वेरिएबल z का कि वो है भैया कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं अगले पे, अगले के बारे में हमें पता है यार क्या है ये श्रीधर, मैंने एक तरीके से जो एक स्ट्रिंग थी एक कैरेक्टर था, तो यहाँ पे क्या क्लास करके प्रिंट आ रहा है कैरेक्टर, इसे आप स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, तो जो कि आपका डेटा टाइप है उस रिस्पेक्टिव वेरिएबल एक्स का। और यहाँ पे फाइनली ट्रू या फॉल्स आप असाइन कर दो वाई को, उसे जब मैं प्रिंट करता हूं तो इसका टाइप क्या आ रहा है, लॉजिकल कह लो या बुलियन कह लो, ये उसका डेटा टाइप है। एक बात अगर आपने यहाँ पे गौर की होगी तो एक्चुअल में एरर आना चाहिए था यहाँ पे, क्यों? बिकॉज पहले तो मैंने एक्स को जो है न्यूमेरिक असाइन की थी वैल्यू, और फिर मैंने यहाँ पे वापस बाद में थोड़ी देर बाद में एक्स को कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो असाइन की। फिर वही बात यहाँ देखोगे y में मैंने पहले इंटीजर असाइन किया और फिर वापस थोड़ी देर बाद में y में मैंने एक लॉजिकल या फिर बुलियन वैल्यू असाइन की, ट्रू या फॉल्स। तो इसमें तो एरर आना चाहिए था लेकिन इसमें एरर नहीं आया, इसका मतलब गलती नहीं, इसका मतलब सिंटैक्स सही है। इसका एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि बाद में आफ्टर क्रिएटिंग अ वेरिएबल, आफ्टर असाइनिंग सम इनिशियल डेटा टाइप टू द वेरिएबल, इट कैन बी चेंज्ड बाय असाइनिंग सम डिफरेंट वैल्यू। लाइक पहले एक्स में क्या था भाई, यहाँ पे न्यूमेरिक था तो मैंने इसे दे दिया स्ट्रिंग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके आगे वो कौन सी क्लास पकड़ के चलेगा, कैरेक्टर या स्ट्रिंग वाली क्लास पकड़ के चलेगा। यहाँ पहले था इंटीजर वाई का डेटा टाइप, अब वो कौन सी पकड़ के चल रहा है, लॉजिकल या बुलियन जो डेटा टाइप है वो पकड़ के यहाँ पे वो चलने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इतनी बात है, तो भैया यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में मैंने क्लियर कर दी इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।